इसका जो अपना नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4 वो आप सभी के सामने आने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पार्ट 4। ठीक है ना, तो आज का जो अपना जो वर्ड है वो है एस्पेरिटी। ठीक है भाई, ठीक है ना, एस्पेरिटी, एस्पेरिटी, एस्पेरिटी जो वर्ड है वो एक नाउन है जिसका वर्ड मीनिंग होता है रूखापन। क्या होता है? रूखापन मतलब आवाज में रूखापन आना, रूखापन होना। ठीक है ना, आवाज में रूखापन होना। ठीक है, रूखापन अलग अलग तरीके के होता है, जैसे किसी के बिहेवियर में रूखापन आना, उसको हम क्या बोले। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा कठोर है, उसको हम क्या बोले। ठीक है ना, यानी थोड़ा सा आदमी किसी को अनदेखा करता है अपने बिहेव से, तो हम उसे किस तरीके से वर्ड मीन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का जो फैक्टर है इसका, वो सभी को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम कह सकते हैं एस्पेरिटी, एस्पेरिटी एक नाउन है जिसका वर्ड मीनिंग है रुखापन, लेकिन रुखापन किस में आना, आवाज में रुखापन आना। ठीक है ना, तो यहाँ हम इस वर्ड का जो लिंक वर्ड निकालेंगे, इसका हम लिंक वर्ड निकाल लेंगे, इसका हम लिंक जो वर्ड है वो निकालेंगे। क्या इसका लिंक वर्ड निकालेंगे हम जो है बावरी, 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 यानी भरी, हम कह सकते हैं भरी। ठीक है, और हम निकालेंगे वर्ड कौन सा, सभा, भरी सभा, यानी हम कहेंगे भरी सभा। इस तरीके से इसके भरी सभा, यानी एस्पेरिटी जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने को इस लिंक वर्ड से याद रह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए इसमें जो डिफरेंस होगा आपके सिनोनिम्स में वो भी आप सभी के सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी से हम पहला जो लेटर है, पहला जो लेटर है बी, इससे हम बनाएंगे क्या, ब्रेस्ट क्वीनस। ठीक है ना, क्या बनाएंगे, ब्रेस्ट क्वीनस, ब्रेस्ट क्वीनस। ठीक है, ब्रेस्की, ब्रेस्की जो है एक एडजेक्टिव है। अगर हम यहाँ तक इस वर्ड की बात करें ब्रेस्की, तो यहाँ तक जो ये वर्ड है वो एडजेक्टिव है। जैसे हमने इसके अंदर नेस क्या जोड़ा, सफिक्स जोड़ा, जैसे हमने इसमें नेस सफिक्स को जोड़ा, तो ब्रिस्की जो वर्ड है वो ब्रिस्की नेस बन जाता है, और ब्रिस्की नेस जो है वो एक नाउन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है भाई, नाउन को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये वर्ड क्या है, नाउन है, जिसका हिंदी अर्थ है रूखापन होना, वर्ड मीनिंग है रूखापन, रूखापन है। ठीक है ना, यानी किसी के जो है व्यवहार से संतुष्टि न होना। ठीक है, किसी के व्यवहार से संतुष्टि न होना, कि मैं कहता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ ब्रिस्किनेस, क्या कह सकता हूँ, ब्रिस्किनेस। ठीक है, तो बी जो लेटर है इसने हमसे, इससे हमने जो एक वर्ड मीनिंग निकाल लिया ब्रिस्किनेस। ठीक है, वी से हम निकालेंगे VCCTUB, 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 याद रखेंगे हम इसको बी से। यानी मैंने आप सभी को कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ है, बात को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये लिंक वर्ड बिल्कुल दिमाग में रहता है तो मैं कहता हूं कि आपके 100% जो है इसके सेवेंस दिमाग में रहेंगे। ठीक है, तो बी से हमने, आप देखिए बावरी सभा, यानी आप इसको याद रखेंगे बड़ी सभा। ठीक है, बी से हम वर्ड निकाल सकते हैं ब्रिस्किनेस। ठीक है, वी से हम वर्ड निकाल सकते हैं विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब जो होता है वो होता है रूखापन, लेकिन रूखापन किसमें, रूखापन किसमें, जब हम किसी का स्वागत नहीं करते हैं या अनप्लीजेंट वे से जो है किसी का स्वागत नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस व्यवहार को क्या कहते हैं, उस व्यवहार को हम कहते हैं विसिट्यूड। ठीक है ना, यानी व्यवहार में रूखापन होना। ठीक है,
जबकि एस्पेरिटी वर्ड क्या है, आवाज में रुखापन होना। एस्पेरिटी वर्ड किसको दर्शाता है, आवाज में रुखापन होना। विसिसिट्यूड किसको दर्शाता है, व्यवहार में क्या होना, रुखापन होना, व्यवहार में रुखापन होना, ठीक है ना। तो देखिए डी से हम ब्रेस्टनेस वर्ड यूज कर रहे हैं, वी से विसिसिट्यूड वर्ड यूज कर रहे हैं, आर आई से हम वर्ड याद रखेंगे रैगोर, रैगोर रैगोर तो हम बोलते हैं रैगोर रैगोर रैगोर, ठीक है ना, रैगोर नहीं रैगोर रैगोर, ठीक है। और इसके दो तरीके के प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, दिस इज टू, दिस हैज टू प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, रैगोर या रैगोर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रैगोर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कठोर होना, क्या होना, कठोर, ठीक है। तो देखिए बैवरी, बैवरी मतलब भरी, भरी से हमने एक वर्ड निकाला, बी से एक बी लेटर से हमने एक वर्ड निकाला ब्रेस्टनेस, वी से हमने वर्ड निकाला लेसिट्यूड, आर आई से हमने वर्ड निकाला, री से निकाला रैगोर, ठीक है। अब बात आती है एस, ठीक है ना, एस एस से हम निकालेंगे सेवरिटी, सेवरिटी मतलब, सेवरिटी का मतलब, सेवरिटी का मतलब होता है कि जो है कठोरपन होना, ठीक है ना, कठोरपन होना। तो एस से हम निकालेंगे सेवरिटी, ठीक है ना। बी से हम यूज कर सकते हैं क्या, बिटरनेस, बिटरनेस जिसका मतलब हम कर सकते हैं कड़वापन, क्या कर सकते हैं, कड़वापन, ठीक है ना। ए से हम वर्ड यूज रख सकते हैं एसिडिटी, कौन सा वर्ड दिमाग में रख सकते हैं भाई, एसिडिटी। तो देखिए आप सभी बिल्कुल इजी है, यानी हमने कहा गौरी सभा, हमने क्या कहा गौरी सभा, ठीक है। तो बी से हम करेंगे ब्रिस्किनस, वी से हम याद रखेंगे वेस्टिट्यूड, ठीक है ना, री से राइजॉफ, एस से सेवरिटी, ठीक है ना, बी से बिटरनेस और ए से एसिडिटी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसी वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है वो कैसे दिमाग में रखा जाए, अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट, इसी के जो अपोजिट वर्ड है वो हम कैसे दिमाग में रखें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक लिंक जो है सेंटेंस निकालेंगे, वर्ड नहीं निकालेंगे, अब की बार सेंटेंस निकालेंगे, क्या हम सेंटेंस निकालेंगे, कुकू माथुर की, कुकू माथुर की शॉप की, शॉप की क्या हो गई, जंड हो गई, कुकू माथुर की शॉप की जो झंड हो गई, ठीक है ना। तो इस लिंक सेंटेंस से आप इसके एंटोनिम्स निकाल सकते हैं, कैसे, सीओ पे चलिए आप सबसे पहले, सीओ, सीओ से याद रखेंगे आप कंटेंटमेंट, क्या याद रखेंगे भाई, कंटेंटमेंट, ठीक है, सीओ से हम याद रखेंगे कंटेंटमेंट। फिर आपका दूसरा सीओ वर्ड, ठीक है ना, सीओ, इससे हम याद रखेंगे कॉर्टेसी, कौन सा वर्ड याद रखेंगे, कॉर्टेसी, कॉर्टेसी मतलब शिष्टाचार होता है, कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतोष होता है या संतुष्टि कह सकते हैं हम, संतुष्टि, इसका कॉर्टेसी मतलब होता है शिष्टाचार, क्या होता है, शिष्टाचार, ठीक है ना। तो देखिए कुकू माथुर की शॉप की झंड हो गई, ठीक है ना, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कुकू को, यहाँ की शॉप और जी एच एच को क्या कर रहा हूं, जो है अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सीओ से हम कंटेंटमेंट यूज करेंगे, सीओ से कॉर्टेसी वर्ड यूज करेंगे, के आई से हम कह सकते हैं काइंडनेस, क्या कह सकते हैं, काइंडनेस, जिसका मतलब होता है दयालु, हम सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है ना, काइंडनेस, ठीक है। अब बात आती है अपने पास कि भाई एस ओ, ठीक है ना, एसओ, एसओ से हम याद रख सकते हैं सॉफ्टनेस, क्या याद रख सकते हैं, सॉफ्टनेस, या पी से हम क्या याद रख सकते हैं, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, ठीक है, पी से हम क्या याद रख सकते हैं, पोलाइटनेस। तो देखिए कुकु, ठीक है ना, माथुर को हिंदी में दिमाग में रखना, कुकु माथुर की सोप की क्या हो गई, ठंड हो गई। जे से, जी से हम क्या याद रखेंगे, जी से हम याद रखेंगे जेंटिलिटी, जेंटिलिटी,
जी से हम याद रखेंगे कौन सा वर्ड याद रखेंगे भी, जेंटिलिटी वर्ड याद रखेंगे, और एच से हम याद रखेंगे हैप्पीनेस। कौन सा वर्ड दिमाग में रखेंगे? हैप्पीनेस। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अपने फोर्थ पार्ट में आप सभी के लिए जो वर्ड निकाला है वो एस्पेरिटी वर्ड है। एस्पेरिटी एक नाउन है, रुकापन, आवाज में रुकापन होना। तो इसके लिए आप एक लिंक वर्ड याद रखेंगे, क्या? बौरी सभा। ठीक है, तो बी से आप वर्ड दिमाग में रखेंगे ब्रिस्कनेस। ठीक है, अच्छा, बी से आप दिमाग में रखेंगे विसिसिट्यूड, आई से राइगॉर्ड, बी से इस से एस से सॉरी एस से ठीक है ना। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बी से ब्रिस्कनेस, वी से विसिस्ट्यूड, ठीक है ना, आर आई से रेगॉर्ड, ठीक है, एस से आप याद रखेंगे सेवरिटी, ठीक है, बी से आप वर्ड याद रखेंगे बिटरनेस, और ए से आप वर्ड याद रखेंगे एसिडिटी। ठीक है, अपोजिट वर्ड में आप दिमाग में रखेंगे लिंक सेंटेंस, कुको माथुर की शॉप की तो क्या हो गई? झंड हो गई, ठीक है ना। सी ओ से, को से हम याद रखेंगे कंटेंटमेंट, ठीक है ना, कौन सा वर्ड याद रखेंगे भैया? कंटेंटमेंट याद रखेंगे, और सी ओ से हम याद रखेंगे कॉर्टेसी, ठीक है, के आई से हम याद रखेंगे काइंडनेस, एस ओ से एस ओ एस ओ क्या दी है बात, एस ओ से हम याद रखेंगे सॉफ्टनेस, ठीक है, और पी से हम वर्ड याद रखेंगे पोलाइटनेस, ठीक है, जी से हम वर्ड याद रखेंगे जी एस झंड, जिसको हम बताते हैं, ठीक है ना, जी 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 से हम जेंटिलिटी, जी से हम याद रखेंगे जेंटिलिटी, और एस से जो वर्ड याद रखेंगे वो हम याद रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स हैप्पीनेस। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए आपके एस्पेरिटी के, ये तो है आप सभी के लिए सेनोनिम, और ये है आप सभी के एंटोनिम्स, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अपने सेनोनिम्स और एंटोनिम्स के नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इंतजार कीजिए कि अपना नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स।